Hey guys, welcome to a new video. Finally, हमारी रात की जो स्टे रहा था वो हमने बनाया था अपना मोटर होम कुछ इस तरीके से रात को सोने का. और अरुण भाई के साथ में जो मैंने आपको बताया था हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे थे, अरुण भाई का बेड कुछ इस तरीके का है, बहुत ही बढ़िया, मतलब दो बंदे आराम से सो सकते हैं. हमारे साथ में थोड़ा सा इशू है कि हमारी गाड़ी में जो है वो सिलेंडर है, CNG गाड़ी है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, अपनी दोनों सीट्स को उस तरफ वाली सीट को फोल्ड किया अपोजिट साइड और इस वाली को निकाल के बाहर रख दिया और अपना बेड बना लिया. तो इस तरीके से जो भी है हमने अपना रात को सोने का जुगाड़ किया था. और सुबह के बज चुके हैं तकरीबन अभी 9:30, क्योंकि 9:30 बजे तक हम सो ही रहे थे. सोनी फिलहाल अपने काम में लग चुकी है सुबह सुबह के, सब लोगों के लिए चाय बना रही है. और ये वेदर देखो यहाँ का, और मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, इस तरफ भी उस तरफ भी. सीरियसली यार, इतना ज़्यादा बर्फ़, इतना ज़्यादा ठंडा था, मुझे उम्मीद से ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि मैं सही बताऊँ इस तरफ भी ऐसी बर्फ़ थी. लेकिन सभी बताओ, सुबह सुबह मतलब रात को जब हम पहुँचे हैं तो तकरीबन उस टाइम हो रहे थे 12:30 बजे. 12:30 बजे तक हम लोगों ने यही किया. क्या हुआ उधर से? हाँ घुमा दो तो देख लो, पर बंदी हो गई हो, देखो रखे हो, देखो बल्कि हुई, फिलहाल बंद कर दिए फोन, नहीं चल रही है, चल रही है. तो हाँ, तो हम सुबह रात को पहुँचे करीबन 12:30 बजे. और ट्रस्ट में गाइस, अगर आप लेह लद्दाख का प्लान करो तो अटल टनल क्रॉस करते ही भाई साहब टेम्परेचर थ्री था, और इतनी ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था कि भाई हिम्मत नहीं पड़ी. और रात को ना हड्डी जमा, मैंने क्या किया गलती से, मैं अपना जो कंबल था वो जानबूझ के रखा है. मैंने कहा कि यहाँ 45-45 डिग्री टेम्परेचर है तो वहाँ क्या होगा. वहाँ गूगल पे देखा, गूगल ने धोखा दे दिया, वहाँ पे मिला 8 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ पे आए तो 3 डिग्री. और अभी तो आगे और भी ज़्यादा होगा, तो देखते हैं कहीं भी रास्ते में कंबल वगैरह मिलेंगे तो वहाँ से ले लेंगे. फिलहाल ये सीट जो है ये हमने उतारी हुई है एक, और इसको लगा के बस अपना शुरू करेंगे. वैसे ये अटल टनल क्रॉस करते ही है, बहुत अच्छा. और यहाँ पे सब कैंपिंग वगैरह के जो टेंट्स वगैरह हैं वो भी लगे हुए हैं. मैगी पूरी तैयार हो चुकी है और अच्छी लग रही है. अरुण भाई मैगी चाय हो गई, हींग हींग को ज्यादा फोकस करो भाई, तो हींग जरूर डालना है. अरे नहीं निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है. जैसा सुबह भी दिखाया था यहाँ वॉशरूम वगैरह बने हुए तो कोई दिक्कत नहीं. सुबह की चाय भी हमारी हो ही गई थी और बस अब मैगी तैयार है. मैगी भाई आके अपनी गाड़ी सेट करनी है और फिर चल पड़ना है. तो दोस्तों फाइनली मॉर्निंग का टाइम हो चुका है. जैसे आपसे मैंने सुबह बताया था, व्यू देखिए आप, व्यू कितना अच्छा है. और ये बहुत ही प्यारा व्यू है, पता है इधर चिनाब नदी बह रही है और इस तरफ से सारा का सारा व्यू. इधर सोनी अपने फोन में लगी हुई है, सुबह का सारा नाश्ता मैगी वगैरह चाय सोनी ने बनाई थी. और इस तरफ से आप वो देखिए फिलहाल कितना अच्छा व्यू है. और इस तरफ मिल जाऊंगा आपको मैं तो भाई, बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं. मतलब नज़ारा देख के तो ऐसा मन करता है कि आप ये देखिए, अल्टीमेट, बहुत ही बढ़िया यार. ले आओ डोगी भी देखो कितना कुछ अलग ही टाइप का है, बुलबुलू सा देखा नहीं, निकल गया वो. ओ, ओ, ये कैसे लग रहा है ना? ये तो लग नहीं है, तुमने ही लगा रखा होगा. ये देखो पहाड़ पर्वत देख के तो सोनी बावली हो जाती है. माहौल बहुत अच्छा है. और अभी चलते चलते ना एक चीज दिखाई दी, सोचा कि आपको दिखा दें. बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल काइंड ऑफ है, बहुत ही बढ़िया है, मजा आ गया देख के. देखना पानी की रफ्तार देखो आप. अरे भाई ऐसे नजारे आपको लेह लद्दाख जैसी सिटी में ही मिलेंगे. मैं नीचे से दिखाता हूँ, यहाँ देखो सही यार, ये वाटर प्रेशर कितना ज्यादा है. नहीं और ये ऑल द वे ऊपर से आ रहा है. खास तौर से बढ़िया लगा ना, तो सोने लगी हुई अपने काम में. हम लोग चलते हैं गाड़ी में बैठ के फिर आगे की तरफ निकलते हैं. यार नजारे आप देखो, ऊपर कितनी ज्यादा बर्फ है. आई बिलीव कि मेरा कैमरा कैपेबल इनफ है आपको ये सब दिखाने के लिए, लेकिन जगह, अगर आप ऐसी जगह पे हो तो क्या जरूरत है किसी की. ट्रस्ट में भाई, मैं तो सिर्फ जगह को देख के दीवाना हो गया. और ऐसा इस तरफ नहीं है, इस तरफ भी ऐसा रहा, इस तरफ भी सारा है.
मैडम नहीं इस तरफ। सही कहा किसी ने, मजा सफर का होता है भैया, मंजिल का नहीं होता। भाई साहब कितना बढ़िया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग बस इतने मजबूर हो गए इसको देख के कि हम लोगों को रुकना पड़ा सीरियसली। और कैसे यहाँ लिखा हुआ ये 5,000 रुपये का जुर्माना अगर इस पॉइंट से आगे गए तो। और वहाँ देखो दूसरे लोग बैठे हुए हैं और वो मजदूर आदमी है, लोकल है, तो उनको नहीं कह रहे पर हमारा तो काट देंगे चलान। तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम नहीं जा रहे हैं, बस हम यहीं से ही आगे निकलते हैं। हम लोग जगह देख रहे हैं, सोच रहे हैं कैंपिंग ना इस तरफ कहीं कर ले। कैंपिंग नहीं करना, बेसिकली चेयर वगैरह लेके जाने का मन है और थोड़ी देर बैठने का मन है शांति से। फिलहाल इसकी हालत देखो भाई साहब, ये क्या हालत हो गई इसकी, ऐसा लग रहा है सारा का सारा मतलब माल सोदा इसके अंदर फट गया, हवा भी नहीं ले रहा, फट जाएगा ये हालत हो गई इसकी। सुनो हाँ तरबूज लेके चलो, फ्रूट वो जूस तो पी रहा है तो फ्रूट भी काट लेंगे भाई। लिटरली ऑक्सीजन की कमी, हमें तो हमारे हार्ट को, फेफड़ों को, लंग्स को जो फील हो रही होगी हो रही होगी। इसका देखो क्या हाल है, फोड़ दूं अब, फूट के सारी चिप्स काट जाएंगे ये। ऐसे पे भर गई और भाई लेवल का फूल है। हाँ और ये देखो भाई नजारे, ये हमारी कैंपिंग हो रही है फिलहाल। हम जा भाई और सारा सामान हमने खाने पीने का उधर रख लिया है। ठंडा है बहुत ज्यादा, बर्फ है, बिल्कुल बर्फ जिसको बोलते हैं। ऐसे नजारे देखो भाई, ऐसा कैमरा तो कैमरा है। मैडम आ जाओ, देखो अच्छी जोर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ना हमने जो तरबूज है वो रखा हुआ है ठंडा होने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल बर्फ हो जाएगा तरबूज, इतना ठंडा पानी है कि फ्रीजर की जरूरत ही नहीं है, इसी में बिल्कुल ठंडा। और उसके बाद में भैया हमारे पास चॉपिंग बोर्ड ही है ना, और बस खाना खाएंगे। सोनी तैयार है बिस्कुट सब कुछ? हाँ तरबूज भाई, सारा सामान जो है वो रेडी हो चुका है, खाना पूरा तैयार है और खाने वाले भी तैयार है। उधर मम्मी से बात कर रही है अभी, वो खत्म करके आएगी। तो बस बाल्टी ले ली हमने पानी थोड़ा सा, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ऊपर गाड़ी वाड़ी साफ करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी तो बाल्टी ले जाएंगे। फिलहाल सारा खाना तैयार है। और देखो लोकेशन कैसी है, दोनों तरफ पानी है, इस तरफ भी पानी आ रहा है और उस तरफ भी पानी आ रहा है। तो जबरदस्त, और पानी का बहाव भी बहुत तेज है। ऐसी बात है कि पानी का बहाव तेज नहीं है, पानी का बहाव भी बहुत जबरदस्त तेज है, पर बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अब आएगा खाने का मजा, असली मजा तो आएगा तरबूज को जो हमने रखा था, वो सब ठंडा होने के लिए, बिल्कुल जबरदस्त फ्रिज का मजा। अरे बेसिकली ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि थोड़ा सा चलते हमारी सांस फूल गई सबकी, पूरी बुरी तरीके से। और ये बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं है वैसे, कहीं कूदते फिरो। वही है भाई ये एयर क्लाइमेट, वो है ना क्लाइमेट। फिलहाल आप यहाँ देखो कितने सारे पत्थर पड़े हुए हैं, ये नहीं समझ में आया किस चीज़ के पत्थर हैं, कैसे पहुँचे यहाँ पे, लेकिन भाई साहब पत्थर ही पत्थर। जैसे भी है नज़ारा बहुत ही मस्त है भाई साहब, बहुत ही मस्त, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। और हम डारचा पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर बचा है। और भाई साहब ये कैसा रास्ता आ गया यहाँ पे, ऊपर से पानी गिर रहा है, थोड़े थोड़े से पास से जो है वो बने हुए हैं यहाँ पे, और अच्छा है ये देखो बढ़िया। और पूरा मिट्टी, पूरा ही मिट्टी है, मतलब मिट्टी पत्थर है। सारा मिट्टी पत्थर है। ठीक है एक बार को निकल जाएगा ना गाड़ी, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। तो हमने ना पीछे कर लिया अपनी गाड़ी ना, क्योंकि दूसरे को भी निकलने की जगह चाहिए होती है। आ गए हम दीपक ताल में, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा दीपक ताल। और ये मतलब बहुत ऊंचाई पे यार, मेरे तो खासतौर से कैमरा आ गया हाथ पे, फिलहाल सांस नाक बंद है, गला दर्द और कान भी बंद है, कुछ नहीं सुनाई। गाड़ी के स्टार्ट होने का पता भाई, गाड़ी के स्टार्ट होने का भी पता नहीं चल रहा मुझे, गाड़ी स्टार्ट है कि रिफाइन इंजन है हमारे खानों की गलती है, खानों की इंजन की तारीफ करो वही गाड़ी में। सही है दीपक ताल, जैसे वोटिंग भी होती है यहाँ पे। हो रहा सोनी
ठीक लगी जगह? अच्छा यार, सभी लोग यहीं रुक रहे हैं, मैगी पॉइंट है यहाँ पे, मैगी बनती है, चाय बनती है, सब कुछ भाई, बहुत ऊपर है। दोस्तों आज का वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, आपको दिखाया मैं फिलहाल दीपक ताल पे हूँ, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर करके मुझे वीडियो दिखानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग अगला पार्ट जो है इसका दोबारा अगले का, मतलब जो आगे का रास्ता है और कहाँ हम लोग रात को स्टे करेंगे, जो अपना कैंपर बनाएंगे, मतलब कैंपर क्या, मतलब अपना होम स्टे बनाएंगे अपनी गाड़ी के अंदर ही, वो भी आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।